हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जेईई मेंस एग्जामिनेशन के बारे में। 24 फरवरी सेकेंड शिफ्ट का एग्जामिनेशन कंप्लीट हो चुका है, एनटीए ने अच्छे से कंप्लीट करवा दिया है। स्टूडेंट्स का फीडबैक रिएक्शन आ चुका है, कौन से क्वेश्चन किस चैप्टर से पूछे गए हैं उसके बारे में भी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ, साथ में क्या कट ऑफ रहने वाला है उसके बारे में बात करेंगे। तो डिफिकल्टी लेवल ऑफ पेपर की बात करें तो आप देख सकते हैं यहाँ पे स्टूडेंट्स ने बताया कि पेपर आपका मॉडरेट लेवल का था और ईजी पेपर था, मॉडरेट लेवल का डिफिकल्टी लेवल था। एनटीए ने सक्सेसफुली सेकेंड शिफ्ट का पेपर कंप्लीट करवाया जो कि आपका 3 PM टू 6 PM के बीच में था। स्टूडेंट्स की बात करें तो स्टूडेंट्स ने डिफिकल्टी लेवल के बारे में कहा कि पेपर ईजी टू मॉडरेट लेवल के बीच में था। आइए देखते हैं किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, क्या है पूरा एनालिसिस। जैसा कि आप यहां पे देख सकते हो, कैंडिडेट्स ने अपना रिव्यू दिया है, शेयर किया अपना व्यूज। तो पेपर जो था आपका वो डिफिकल्टी लेवल का था और मॉडरेट के बीच में था। फिजिक्स सेक्शन की बात करें तो फिजिक्स आपका मॉडरेट टू लेंथी के बीच में था। देन केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री इजी टू मॉडरेट के बीच में था और क्वेश्चंस आपके एनसीईआरटी से पूछे गए थे। मैथमेटिक्स की बात करें तो मैथमेटिक्स आपका मॉडरेट टू डिफिकल्ट लेवल के बीच में था और मोस्टली क्वेश्चन डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए थे। ओवरऑल पेपर की बात करें तो कैलकुलेटिव था, लेंथी था कंपेयर टू केमिस्ट्री एंड फिजिक्स। केमिस्ट्री में और फिजिक्स में पता है आपको लेंथी नहीं होता, फिजिक्स में होता है क्योंकि उसमें न्यूमेरिकल्स होते हैं, लेकिन मैथ ज़्यादा लेंथी था इन दोनों के कंपेरिजन में। जल्दी से देख लेते हैं कि कौन से चैप्टर से कितने क्वेश्चन आए। क्विक एनालिसिस है एक्सपर्ट्स के द्वारा कि कौन सा चैप्टर से कितना क्वेश्चन आया, उन्होंने अपनी राय दी है। साथ में देख सकते हो जेईई मेन पेपर 1 इवनिंग शिफ्ट का जो पेपर था वो इजी एंड बैलेंस था। आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी जाके ज्वाइन कर सकते हो वीडियोज़ के अपडेट के लिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में, या फिर सर्च करो टेलीग्राम ऐप में @PallavasoFilms। चैनल के सपोर्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दो, इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। पेपर 1 की बात करें तो देख सकते हो आप पेपर आपका इजी टू मॉडरेट लेवल के बीच में था। अगर कंपेयर करें तीनों पेपर को, मतलब कि फिजिक्स मैथ्स एंड केमिस्ट्री को, तो मैथमेटिक्स आपका ज़्यादा डिफिकल्ट था, देन फिजिक्स, देन केमिस्ट्री। तो ये कुछ फीडबैक्स हैं स्टूडेंट के हिसाब से। सब्जेक्ट वाइज फीडबैक की बात करें तो फिजिक्स की बात करते हैं। सबसे पहले 30 क्वेश्चन होते हैं आपके, पता है 20 MCQ और 10 न्यूमेरिकल वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन। तो बता दूं, कुछ बच्चे पूछ रहे थे कि 5 से ज़्यादा अगर न्यूमेरिकल वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन बनाएंगे वो तो ज़्यादा नंबर मिलेगा, बिल्कुल नहीं मिलेगा। सिर्फ आपको 5 ही बनाना है, टाइम वेस्ट नहीं करना है और 20 MCQ पे आपको ध्यान देना है। ओवरऑल फिजिक्स के पेपर की बात करें तो मॉडरेट था कंपेयर टू केमिस्ट्री एंड मैथ्स। फिजिक्स में जो क्वेश्चंस पूछे गए वो ऑलमोस्ट सारे टॉपिक्स को कवर किया गया। क्वेश्चन कम फ्रॉम कुछ चैप्टर्स के नाम मैं आपको बता दूं, इलेक्ट्रोस्टैटिक, मैकेनिक्स, ऑप्टिक्स एंड एम्पलीफायर, मॉडर्न फिजिक्स से क्वेश्चन पूछे गए हैं। इंटीजर टाइप जो क्वेश्चन है वो ईजी क्वेश्चन है, तो आप 5ों सॉल्व कर सकते हो। देन केमिस्ट्री की बात करें तो यहाँ पे आपके 30 क्वेश्चन है, 20 MCQ और 10 न्यूमेरिकल वैल्यू बेस्ड। केमिस्ट्री पेपर आपका मॉडरेट था, द पेपर वॉज वेरी वेल बैलेंस्ड एज इट हैड एन इक्वल नंबर ऑफ फिजिकल, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्वेश्चन। तो फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक से तीनों में से बराबर बराबर क्वेश्चन पूछे गए। सारे टॉपिक्स कवर हुए हैं आपके। जो आपका इंटीजर टाइप क्वेश्चन था वो फिजिकल केमिस्ट्री से आया जो कि कैलकुलेटिव था, कैलकुलेटिव मीन्स न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बेस्ड था। मैथमेटिक्स की बात करें तो 30 क्वेश्चन था, 20 MCQ प्लस 10 न्यूमेरिकल वैल्यू बेस्ड। मैथमेटिक्स आपका डिफिकल्ट था, मतलब पेपर डिफिकल्ट था, मॉडरेट कह सकते हो। क्वेश्चंस आस्क वेयर फ्रॉम मोस्टली फ्रॉम कैलकुलस, अलजेब्रा एंड क्वाड्रेटिक ज्योमेट्री, इन तीनों चैप्टर्स से क्वेश्चंस पूछे गए हैं और पूरा टॉपिक भी कवर किया गया। द पेपर वॉज क्वाइट बैलेंस्ड, स्टूडेंट वेयर एबल टू कम्प्लीट इट अंडर द गिवन टाइमलाइन। स्टूडेंट्स को जितना समय मिला था उसके हिसाब से वो कंप्लीट कर लिए थे। आप सभी को पता है कि 3 घंटे का समय मिलता है, तो आप एक एक घंटे तीनों में बांट लो और जिसमें एक्स्ट्रा टाइम आपको चाहिए और वो दोनों सब्जेक्ट से निकाल के उसमें दे सकते हो। देखो, ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है जो कि एक्सपर्ट्स के द्वारा दी गई है। अभी बहुत सारा फीडबैक आना बाकी है, एग्जाम के बाद और कट ऑफ आ सकते हैं। उम्मीद की जा रही है कि कट ऑफ इस बार लोअर रहने वाला है क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने एग्जामिनेशन दिया। ओवरऑल प्रीवियस स्टूडेंट को देखे तो जो कट ऑफ रह सकता है वो 110 से लेकर 130 मार्क्स रह सकता है जेईई एडवांस के लिए। परसेंटाइल में कैलकुलेट करें तो 80-90% जनरल कैटेगरी के लिए हो सकता है। मैथमेटिक्स की बात करें हम लोग जो बीटेक पेपर 1 में, तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ रह सकता है प्रीवियस ईयर को देखते हुए 45 से लेकर 50 नंबर, जिनका भी आएगा वो अच्छा नंबर होगा। देन उसके बाद फिजिक्स में बात करें तो 50 से 60 अच्छा नंबर होगा और उसके अलावा 55 से 70 के बीच में केमिस्ट्री में अच्छा नंबर होगा। तो टोटल 110 से लेकर 130 के बीच में जिन्होंने भी स्कोर किया होगा वो काफ़ी अच्छा स्कोर होगा। और एनटीए आपको पता है नॉर्मलाइजेशन प्रोसीजर अपनाती है परसेंटाइल के लिए, तो आप सभी के अच्छे नंबर आएंगे।
आज है 25 फरवरी और शिफ्ट वन एग्जामिनेशन के लिए आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। उसके अलावा आप सभी को बता दूं केमिस्ट्री में 2 से 3 क्वेश्चंस जो कि लैब मैनुअल से डायरेक्टली पूछ दिए गए थे, उसके बाद ज्यादातर क्वेश्चन पीरियोडिक टेबल, केमिकल बॉन्डिंग, इक्विलिब्रियम एंड सॉल्यूशन एंड ऑर्गेनिक कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन आए हैं। फिजिक्स में 3 क्वेश्चन पूछे गए आपके सेमीकंडक्टर से, 1 क्वेश्चन आपका पूछा गया यूनिट एंड मेजरमेंट से, और ज्यादातर क्वेश्चन क्लास 12th के सिलेबस के हिसाब से था। क्लास 11th से कोई भी क्वेश्चन नहीं था रोटेशनल से। उसके अलावा क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं मॉडर्न फिजिक्स, करंट, इलेक्ट्रिसिटी एंड थर्मोडायनेमिक्स से। मैथमेटिक्स पेपर लेंदी नहीं था लेकिन डिफिकल्ट था। क्वेश्चंस थे आपके कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कैलकुलस, मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट, वेक्टर एंड 3D से क्वेश्चन पूछे गए थे। तो ये पूरा एनालिसिस था एग्जामिनेशन का 24 फरवरी सेकेंड शिफ्ट का। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो जरूर से लाइक और शेयर कर देना। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।